जय भारत एवरीवन अगेन दिस इज़ प्रियदर्शिनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैप्स मैप्स में मैंने आपको बताया था कि मैप्स क्या होते हैं और मैप्स कितनी तरह के होते हैं आज के वीडियो में हम इम्पोटेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स देखेंगे इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें लाइक करें कॉमेंट्स करें शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए ओके okay, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स द कंपोनेंट्स ऑफ मैप दैट मींस जो मैप uh, हम बनाते हैं जो मैप हम ड्रॉ करते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बिना कोई मैप कंप्लीट नहीं हो सकता तो इसके लिए हम देखेंगे देर आर थ्री कॉम्पोनेट्स ऑफ मैप्स फर्स्ट वन इज डिस्टेंस द सेकेंड इज डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज सिंबल अब एक एक करके हम इसका जो है मैप्स आर ड्रॉइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ अ लैंड ऑन अ शीट ऑफ पेपर जो पूरे वर्ल्ड का जो मैप है लाइक अगर हमें एशिया कॉन्टिनेंट का मैप ड्रॉ करना है तो एज़ इट इज़ उठा के हमें उसको पेपर पे रखना नहीं है ओके वी हैव टू मेक अ ड्राॅइंग ऑफ इट और इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर स्केल का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉन्टिनेंट मैप के रूप में बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसके लिए हमें उसका एरिया जो होता है वो रिड्यूस करना, करना पड़ता है उसे सिम्बलाइज करना पड़ता है ठीक है स्केल एक हमें फॉर्म करनी पड़ती है उसके लिए एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप है ना तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वॉट इज द टाइम वॉट इज़ अ स्केल सी स्केल इज अ रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप मतलब ये स्केल जो है ये वही डिफरेंस है जो हमें एक्चुअल ग्राउंड पे और पेपर पे दिखाई देता है ठीक है एक मैप में जिसको कि हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं उसके बीच में और जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो लोकेशन है जो लैंड फॉर्म है उसकी जो है बीच का जो डिफरेंस है वही ये स्केल शो करता है और इसके लिए हमारे पास दो तरह के स्केल हैं द फर्स्ट वन इज स्मॉल स्केल मैप व्हेन लार्ज स्केल वैन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू शो टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल मैप मतलब अब जैसे कि हमें कोई कॉन्टिनेंट या कोई कंट्री जो है वो मैप पे ड्रॉ करनी है देन वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू टेक अ लार्ज स्केल अ स्मॉल स्केल फॉर अ लार्ज बैकग्राउंड ओके जैसे कि यहाँ पे हम 500 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में शो करेंगे फाइव सेंटीमीटर दैट मीन्स कि मैप पे जो फाइव सेंटीमीटर का लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा उसको हम एक्चुअल में क्या मान रहे हैं? दैट इज ऑ फाइव हंड्रेड किलोमीटर या फाइव हंड्रेड किलोमीटर का जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हम मैप में किस डिस्टेंस में शो कर रहे हैं कौन से स्केल में शो कर रहे हैं इट इज़ इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर ओके एंड द सेकेंड वन इज लार्ज स्केल मैप वेन स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज लार्ज स्केल ओके यहाँ पर आप देखिए जो हमारा जो दायरा है जो एरिया है जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है एंड दिस इज फाइव हंड्रेड मीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर ऑन मैप ओके okay? जब भी हमें कोई विलेज क्योंकि विलेज तो जो है वो कॉन्टिनेंट या कंट्री के कंपैरिजन में छोटा होगा कोई भी टाउन या सिटी या विलेज सो वी हैव टू टेक ओनली 500 मीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मतलब जो एक्चुअल ग्राउंड पे 500 मीटर की जो दूरी है 500 मीटर की जो दूरी है वो मैप पे हम 5 सेंटीमीटर में शो करेंगे सो so होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं एंड लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं एंड दीज स्केल आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज मैंडेटरी टू ड्रॉ अ मैप नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्शन द अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मैप डायरेक्शन सी आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई मैप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैप के राइट रा, 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 साइड में एक एरो बना होता है ठीक है एक एरो बना होता है जो कि अपसाइड होता है और वहां पे लिखा रहता है एन एन या नॉर्थ ठीक है यही एरो जो है वो मैप की डायरेक्शन को शो करता है वी हैव टू ड्रॉ अ मैप अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हमें डायरेक्शन जो है वो यूज करनी पड़ती है एंड देर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्शन ठीक है जो हमारे पास एन लेटर दिया होता है मैप में या जो नॉर्थ मेंशन होता है उसी की मदद से या उसी के थ्रू हम दूसरे डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं है ना इट मेक्स इजीली दैट यू हैव टू यू कैन फाइंड आउट ऑल द अदर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन ओके नाउ देर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्शन द मेजर डायरेक्शन एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शन नाउ व्हाट आर दी मेजर डायरेक्शंस मेजर डायरेक्शंस दैट मीन जो चार इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हैं जो मेजर डायरेक्शंस हैं दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ठीक है और इन ये कॉर्डिनल पॉइंट्स भी कहलाते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दी कॉर्डिनल पॉइंट्स ठीक है और जब इन चारों के बीच में दो दो अलग अलग डायरेक्शंस को मिला के एक नई जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्रिएट होती है उन्हें हम जो है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ओके एंड दे वर मैंशन एज एन ई द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश एन ई एस ई एस डब्ल्यू एंड एन डब्ल्यू okay we can locate any place more accurately with the help of these directions now you can see as i'm showing on the slide as i'm showing on the slide see these are the eight main directions which help out to draw a map okay north south east west the combination the intermediate direction of the northwest is northwest then uh, west and south is south uh, southwest then east and south is southeast and north and east that is एंड ईस्ट दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इनमें से किसी भी एक भी एग्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है जो एमपी परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है जिससे आप अपने को जान सकते हैं तो यदि आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी साथ ही आप इसे डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो ये है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से आप अपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही आप एम पी फॉरेस्ट गार्ड की भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको एमपी परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप इसमें फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिए इनमें से चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें आप मेरा कूपन कोड यदि यूज़ करेंगे तो आपको पूरा फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा मेरा कूपन कोड दांगी फिफ्टी यूज़ करते हैं तो चाहे सी पी हो एम पी फॉरेस्ट गार्ड हो नगर निगम हो ग्रुप टू ग्रुप फर्स्ट हो किसी भी एग्ज़ाम की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक किस लेवल तक पहुँची आप उसे जाँच सके इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप फर्स्ट ग्रुप टू किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे काफ़ी सारे टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं डेमो टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में किस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिए ताकि आपको फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल सके और अपने प्रिपरेशन का लेवल जांचिए। अच्छा अब मुझे बताइए आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से कोई कंपास जरूर देखा होगा है ना कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस में हुआ होगा आपने हमेशा देखा होगा कंपास में एक सुई होती है एक निडल होती है और वो हमेशा दो पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही जो है वो रुकती है ठीक तो ये जो डायरेक्शंस होते हैं दैट आर नॉर्थ एंड साउथ बिकॉज वो निडल किसकी बनी होती है दैट इज मेड ऑफ मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकता है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ और उसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज हम एक जो है कंपास में करते हैं ये कंपास हमें मदद करता है किसी भी जगह पे जाके uh, जो है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में सी द इमेज ऑफ कंपास यू यू आर आई एम शोइंग ओके सी वी कैन फाइंड आउट the डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद the हेल्प ऑफ अ कंपास इसके थ्रू हम किसी भी जगह की डायरेक्शन एग्जैक्ट डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन के साथ ही ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन और साथ ही साथ दूसरी जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं उसका भी पता आसानी से लग जाता है ठीक है सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट दैट डिवाइज वी कैन से ओके now the another important and the third one component of the map is symbols what is symbol symbol is a particular feature okay ye kya hai ek feature hai jo ki hum actual ground pe agar koi uh, jo hai land hai उसको show करने के लिए एक feature या एक particular symbol देते हैं ठीक है अब देखिए अब देखिए इसमें जो है द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप दैट इज सिंबल इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स रोड्स ब्रिजेस ट्रीज रेलवे कुछ भी अगर हमें बनाना है तो हम अगेन वही चीज आ जाती है जैसे कि हमने स्केल के बारे में बात की थी कि हम ओरिजिनल चीजें तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं देन वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू मेक सम सिम्बल्स हमें उन फीचर्स के कुछ सिंबल्स बनाने होंगे उन लैंडफॉर्म के कुछ सिंबल्स बनाने होंगे जो उस पर्टिकुलर एरिया उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मैप में ओके एंड ऑल्सो वी कैन यूज द लेटर्स एंड शेड्स एंड कलर्स फॉर दैट ओके सो दीज आर द अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सिम्बल मैप सॉरी एंड सी दिस इज द टेबल ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स

We have to show, uh, if we want to show uh, any temple or church or mosque or uh, Idga. Okay, so we can use these type of the symbols. The metal road, the unmetalled road, benchmark. Benchmark that means uh, if a particular place which is not, uh, which is unknown that we can mark with the benchmark. See, the symbols are called the language of map. वाइट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप क्योंकि हमने स्केल से तो मैप ड्रॉ कर लिया हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया डायरेक्शंस भी हमने अकॉर्डिंगली जो है वो फिक्स कर ली है ठीक है नाउ व्हाट दी अदर स्टेप व्हाट दी नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू वी हैव टू रिकोगगनाइज द प्लेस ना द डायरेक्शन आर देयर द मैप इज देयर बट हाउ डू वी रेकोगनाइज द प्लेस ठीक है कि भैया मेरा घर जो है मेरे घर के पास एक तालाब है देन हाउ डू आई रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे तालाब तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है देन आई हैव टू ड्रॉ अ सिंबल ऑफ़ दैट पौंड उस तालाब के लिए मुझे एक पर्टिकुलर सिंबल ड्रॉ करना होगा ताकि अगर मैं किसी को बता रही हूँ अपने घर का मैप तो उसमें जो है उस सिंबल को यूज यूटिलाइज uh, करके या उस सिंबल को स्टडी करके वो मेरे घर तक इजीली पहुँच सके सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप ओके विद द यूज़ ऑफ दिज सिंबल्स, मैप्स कैन बी ड्रॉन इज़ीली एंड आर सिंपल टू रीड हम आसानी से किसी भी मैप को ड्रॉ कर सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देर फॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिज सिम्बल्स अब आप देखिए सिंबल्स ना केवल हमारे मैप के लिए इंपॉर्टेंट हैं बल्कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं आपने देखा होगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं है ना मेडिकल का एक अलग सिंबल हो गया हॉस्पिटल का एक अलग सिंबल हो गया ठीक है स्कूल का एक अलग सिंबल हो गया सो दीज सिंबल्स आर यूटिलाइज टू मिनिमाइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस है ना किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के डिस्क्रिप्शन को मिनिमाइज करके हम उसको एक सिंबलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये सिंबल्स जब हम धीरे धीरे स्टडी करने लगते हैं समझने लगते हैं तो हमें मैप्स को या पर्टिकुलर किसी भी जगह को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है सो फॉर द रीडिंग ऑफ मैप इट इज़ मस्ट दैट यू मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ मैप दैट इज सिंबल ओके मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल ये जो सिंबल्स होते हैं ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इसमें ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है ना फ्रेंच है ना कोई दूसरी लैंग्वेज है ठीक है दीज आर द सिंबलिक लैंग्वेज और ये हर कोई किसी भी लैंग्वेज को जानने और समझने वाला आराम से समझ सकता है ठीक है देर इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ थ्री सिम्बल्स देर आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिम्बल्स दी सिंबल्स देर आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल्स एक पूरे वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉमनली uh, जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है ये दिज सिंबल वी आर गोइंग टू बी यूज इन द मैप एंड दीज आर दी मोस्ट ऑफ द सिंबल्स आर सिमिलर फॉर एवरी एंड फॉर एवरी प्लेस ठीक है एंड वी ऑल्सो यूज द वेरियस कलर्स समर्पजेस लाइक ब्राउन कलर फॉर माउंटेन्स ओके ब्लू कलर फॉर वॉटर बॉडीज ग्रीन कलर फॉर फॉरस्ट एरिया सो अलग अलग कलर के थ्रू भी हम इन्हें इनहेंस कर सकते हैं सो यू अंडरस्टूड टूडे वी डिस्कसिंग टूडे वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ मैप दैट इज डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंबल कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली योर कमेंट्स आर ऑलवेज बी वेलकम्ड ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ थैंक यू वेरी मच